जी फ्रेंड्स, अब हम टाइप्स ऑफ स्केल्स देखेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केल, ठीक है। स्केल्स के कितने टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स हैं। नंबर वन स्टेटमेंट ऑफ स्केल, ठीक है। नंबर टू रिप्रेजेंटेटिव स्केल, ठीक है। और नंबर थ्री इज़ लीनियर स्केल। अब हम सबसे पहले टाइप देखते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्केल, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी है। स्टेटमेंट ऑफ स्केल है फर्स्ट। एज अ स्टेटमेंट, 1 सेंटीमीटर इज़ रेशो 1 मीटर, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको पहले भी, हमने एक्टिविटी के थ्रू वो सॉल्व कर ली है कि जब आपको ये एक स्टेटमेंट दे दी जाए कि इतने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो रेशो है वो 1 मीटर है, ठीक है। ये हमें एक स्टेटमेंट ऑफ स्केल पता चल गई है। इसके मुताबिक हम ग्राउंड का डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है, 1 मीटर, और मैप पे कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको जो है वो क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अ स्केल, सही है। अब आपके बुक का पेज नंबर 22 पे आप देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर, सही है। एंड 1 किलोमीटर्स में 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख हम सेंटीमीटर्स को काउंट करते हैं, यानी इतना बड़ा डिस्टेंस होता है, सही है, एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस में। अब आप जल्दी से अपने बुक के ही पेज नंबर 22 पे साथ साथ बेशक हाईलाइट करते जाओ, ताकि आप लोगों का बुक वर्क साथ ही सॉल्व भी हो जाएगा, और एक्टिविटीज़ भी आज आपने बुक पे ही सॉल्व करनी है, सही है। सो क्वेश्चन सॉरी टाइप्स ऑफ टू हैं, जो सेकंड टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज कॉमनली नोन एज RF। RF से भी हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एज फ्रैक्शन 1:100, विच मीन्स 1 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर, ओके। यानी मतलब इसमें हमने एक फ्रैक्शन अगर आपको दी गई है कि 1 है 1:100, जिसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर। अब आगे आपको उन्होंने खुद उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया कि 1 मीटर हैज़ बिन कन्वर्टेड इन 100 सेंटीमीटर्स, सो दैट दे आर द सेम यूनिट्स फॉर्म द रेशियो, सही है। यानी 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर मीन्स कि 1 सेंटीमीटर में सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो सेम वही हो गया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स इस्काल्ट, अगर इस्काल्ट कर लें तो वो हमारा 1 मीटर बन गया, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी पीछे भी ये आपका हमने पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेम वही हमें रेशो फ्रैक्शन में दिया गया। अगर आपके रेशो फ्रैक्शन अगर 1:100 दिया, तो इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर हो गया, ओके। नेक्स्ट देखें लीनियर स्केल। लीनियर स्केल जो है ये आपकी थर्ड टाइप है। इसमें क्या होता है कि आ हॉरिजेंटल लाइंस, एक लाइन लगा दी जाती है सीधी, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइंस में क्या होता है, विच शोज़ द रेशियो बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस। ग्राउंड कौन सा है, जो ज़मीन के ऊपर डिस्टेंस है। अगर आप एक फ़र्ज़ करें, आप अभी अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस रूम का जो डिस्टेंस है ना, वो आप ज़मीन का डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस है। लेकिन जब हम उसको मैप पे बनाएंगे तो वो पूरा इतना बड़ा रूम जितना, आपके रूम जितना तो नहीं, हम मैप बनाएंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, पेपर के ऊपर उस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। सो इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि ग्राउंड डिस्टेंस रेशो में लिखी जाती है, और इसका रेशो हम डॉट से जाहिर करते हैं। एक लाइन लगाते हैं जिसमें हम डॉट्स लगा देते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और ज़ीरो फिर 1 पे जाते हैं। आप अपना स्केल उठाओ, यहाँ से मैया करो, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप खुद देखोगे कि मैम आपने सही कह रही हैं कि ये क्या है, 0 से स्टार्ट होगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका दिया गया, और उसको वो क्या शो कर रहा है, मीटर, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर स्केल, ठीक है। लीनियर स्केल हॉरिजेंटल लाइंस लगाई जाती हैं, जिसके अंदर डॉट्स के ज़रिए से शो किया जाता है कि आपका 1:0 से 1 तक इतना सेंटीमीटर है, फिर नेक्स्ट सेंटीमीटर इतना है, ठीक है। तो जो अगली एक्टिविटी हमारी आ रही है
वो कुछ इसी टाइप के हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर स्केल को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, उस मैप के थ्रू। अच्छा, आपकी जो सेकंड एक्टिविटी है, हियर अ मैप ऑफ पाकिस्तान, ये आपको मैप ऑफ पाकिस्तान दे दिया, ठीक है। इस गिवन द स्केल 1 सेंटीमीटर रेशो 200 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने किलोमीटर को, 200 किलोमीटर। आप देख सकते हो ये रेशियोस आपको दे दी गई हैं, 0, 200, 400, 600 किलोमीटर स्केल, ठीक है। अब आप अपना स्केल निकालो, ठीक है। अच्छा, अब आप एक उन्होंने ये भी बता दिया कि मैप पे वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ टेल व्हाट द अप्रोक्सीमेट ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन पिशावर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर, लाहौर टू कराची, ठीक है। अब कराची, इन तमाम का हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो आपने डिस्टेंस मालूम करने के लिए सबसे क्या पहले करना है, अपना स्केल निकालें, ठीक है। स्केल निकालने के बाद आप लोगों ने ये बुक पे ही एक्टिविटी कीजिएगा, ठीक है। आपने स्केल लेना है और स्केल से आपने मैयर करना है, ठीक है। अब देखो ये आपके दो डॉट्स लगे हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन डॉट्स को आपने मैयर करो, ठीक है स्टूडेंट्स, इन डॉट्स को आप मैयर करो स्केल से, और आप देखोगे कि ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया, 0 से लेके 1 तक इसका एक डिस्टेंस आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, और 1 सेंटीमीटर आपका क्या शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर इज़ 200 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 200 किलोमीटर्स आपका मैप पे डिस्टेंस आ गया पिशावर का, ओके। नेक्स्ट आप देखें इस्लामाबाद टू लाहौर, इस्लामाबाद टू लाहौर हमने करना है, इस्लामाबाद टू लाहौर अगर आप देखो तो ग्राउंड पे डिस्टेंस इसका यानी कितना किलोमीटर होगा, आपने इसके लेना है इस डॉट को, इस डॉट से आपने मैयर करना है, आपके पास एक्चुअली जो डिस्टेंस आएगा वो 1.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, जो ग्राउंड पे क्या डिस्टेंस डिस्टेंस बनेगा, 300 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट आप देखें जो आपसे पूछा जाएगा लाहौर टू कराची, अब लाहौर टू कराची पे भी आप स्केल लें, स्केल से डॉट्स को मैयर कीजिएगा, डॉट से डॉट को मैयर करें तो आपका 1200 किलोमीटर्स आ रहा है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड पे डिस्टेंस है यानी ज़मीन का फासला किलोमीटर पे है, लेकिन मैप पे किससे शो हो रहा है, हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा, अब आप जो आपकी एक्टिविटी है, आप कराची टू कोयटा और कोयटा टू पेशावर, इसकी भी आप मेजरमेंट कर सकते हो और इसको भी आप अपनी बुक पे लिख सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी है, ठीक है। इसको आपने अपने बुक के ऊपर सॉल्व करना है और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया कि अल्लाह हाफिज़।